हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ खेती रही थी, मैं डेली ब्लॉग चल रही थी। बट डेली ब्लॉग तो बहुत दूर के बाद महीना के ब्लॉग भी मैं छोड़ती हूँ। आप लोग पता, मैं घूमने भी गई थी बहुत जगह, बट ब्लॉग मैं नहीं कर पाई। मैं ब्लॉग करके आप लोगों को छोड़ू जो भी नहीं, मेरे पास टाइम क्या, मन नहीं था करने का यार, और कुछ नहीं। टाइम तो बहुत मिलता है, मैं घर पे रहती हूँ, ऐसा कुछ काम वगैरह करती भी नहीं, घर पे रहती हूँ मैं। तो आप लोग डेली ब्लॉग छोड़ सकती हूँ बट करती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा आलस हूँ। मम्मी मुझे ठीक है बोलती है, तेरा कोई भी काम सक्सेस क्यों नहीं होता, तेरा अंदर बहुत ज़्यादा आलस है, इसलिए आप मुझे पता चला सच्ची में बहुत ज़्यादा आलस हूँ मैं। तो कैसे, चलो मैंने सोचा आप लोग साथ कुछ शेयर करो, अगरम बगरम कुछ भी हो मैं शेयर तो करूँ, यूट्यूब वालों को पता तो चले मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ गाइस। तो चलो गाइस, मैंने सोचा चलो कुछ खाना वगैरह भी शेयर करती हूँ, आपको साथ बातें भी करती हूँ। बहुत दिन हो चुके, आपको बातें वगैरह नहीं करता, कुछ बातें भी शेयर करना है मुझे। कुछ खास करने वाली हूँ अपनी, मैंने अपनी लाइफ में कुछ खास शुरुआत करने वाली हूँ गाइस, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर ही मैं बोलूँगी बताऊँगी। तो चलो, अब मैं खाना वगैरह भी शेयर करती हूँ, रेडी वगैरह भी करना है। कारण भी आ चुके, तो सोचते कारण नहीं था, अभी कारण आया तो अभी सब कुछ रेडी करना है। अगर कारण चला जाएगा तो खत्म। चलो गाइस, यहाँ पर देखो पापा ने आधे मछली काट के चले गए काम पर, ऑफिस से फोन आया था, इसलिए अभी आधे मछली रही, क्योंकि ये मछली वगैरह मुझे काटना बिल्कुल भी नहीं आता, फिर भी मैं ट्राई करूँगी गैस काटने का। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन प्याज मिर्च का पेस्ट कर लूँगी। तो मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट हो चुका है प्याज मिर्च का, मैंने फ्रेश भी हो चुकी हूँ नहा कर, बिकॉज पूजा घर का पानी उठाना था, तो फिर फ्रेश होकर भी खाना बना रही हूँ। तो अभी मैं सब रेडी वगैरह करने वाली हूँ, मुझे आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। सब कुछ रेडी हो चुका है, अब मैं रस बनाने वाली हूँ जाकर। आज बिल्कुल भी मूड नहीं है खाना बनाने का, फिर भी बनाने पड़ेगा, घर पर ऐसा कोई नहीं है बनाने का। मम्मी चली जाती है बाहर, पापा चले जाते हैं काम पर। तो गाइस, मैंने बोला था आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी, मैंने सोचा खाना बनाते बनाते शेयर कर लूँ, पर मुझे इंतजार नहीं हो रहा, मेरे पेट में बात नहीं रह रही है। तो मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसे खास बात नहीं है, या शॉकिंग मुझे क्या बात बोलेगी या क्या शॉकिंग न्यूज़, ऐसा कोई शॉकिंग न्यूज़ है। बट मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ चेंज करूँगी, सच्ची में मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो जा रही हूँ ना, बोलो मत। तो मैं कुछ दिनों से डाइटिंग करना शुरू कर लूँ गाइस। ये आप लोग के लिए शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी, तो मेरे फैमिली मेम्बर के लिए शॉकिंग न्यूज़ ज़रूर होगा गाइस, बिकॉज वो लोग को पता है मैं खाना पीना बिल्कुल भी रह नहीं पाती हूँ, मुझे खाना खाना कितना पसंद है। मैं ये सब क्या अभी सब स्किप करूँगी, खाना खाना ज़्यादा बाहर का ज़्यादा फास्ट फूड अभी मैंने छोड़ ही दिया, खाना कभी कभी खाती हूँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा डेली शाम होने से चौप पूड़ी वगैरह ये सब खाती रहती हूँ, बट अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा खुद का ये चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है
पीरियड्स का भी प्रॉब्लम होता है, ये ज़्यादा फैट वगैरह निकल जाने से। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला जैसे ये व्यायाम वगैरह जिम तो करना, मैंने बोला जिम करने के लिए बोला था तो हम मैं जिम नहीं करूँगी गाइस उससे नहीं होगा जिम वगैरह करना। तो वैसे योगा वगैरह करती हूँ घर पर, योगा करने से भी अपना शरीर ठीक रहता है। और मैंने सोचा नहीं योगा में कुछ दिनों बहुत दिनों से मैं योगा कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मेरा पेट अंदर जा रहा है तो मैं बहुत दिन से योगा करना शुरू करी हूँ, तो पता नहीं कब होगा। मैंने तो टारगेट करा पूजा दुर्गा पूजा के पहले ही मैं इसका अपना फिट शरीर वगैरह फिटनेस वगैरह ठीक करूँगी, बिकॉज ज़्यादा मोटी हो जाती है, ड्रेस वगैरह भी अच्छा नहीं लगता, साड़ी पहनना भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पेट वगैरह निकल जाता है। तो मैंने सोचा नहीं अभी से कल चेंज करूँगी, आपको जाने से बाल वगैरह कटाऊँगी बुढ़ी की तरह लगती हूँ दिखने में, फिर नहीं खुद का लुक चेंज करना पड़ेगा। तो कोई शॉपिंग न्यूज़ नहीं है, हाँ खाना मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा फैमिली मेम्बर के लिए शॉपिंग न्यूज़ जरूर है, बट ये आप लोग एक चीज़ दिखा दी। खाना में यदि ये मटन हो तो हमें डाइटिंग कैसे करूँ गाइस बोलो बोलो। ये मटन लेके आ चुके हैं, अभी इसको बिना खाए मैं कैसे रहूँ बोलो। आँखों के सामने मेरा सामने मटन हो रहा है मेरा फेवरेट, और वो बिना खाए मैं ये सिद्धो भात ये सब खाओ, मुझसे तो नहीं होगा यार, क्या करूँ आप ही बताओ। मैं घर पे बताती रहती हूँ जो मटन चिकन ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा हेल्दी हेल्दी फूड खाते मेरे वजह से लोग कभी मैं भी जो खा मैंने बोला मैं जो खाऊँगी हेल्दी आप लोग भी खाओ, आप लोग का फिटनेस ठीक होगा। वो लोग तो मानते नहीं है को तू अपना फिटनेस तू ठीक कर, हम लोग को फिटनेस देखने की ज़रूरत नहीं है तो फिर भी अभी मैं क्या खाऊँ आज, मटन मेरे आँखों के सामने है, मैं बना रही हूँ और मैं बिना खाए कैसे रहूँ बोलो आप लोग। तो फिर भी मुझे मटन और चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरा एक ही आदत है मैं जब भी कुछ खाओ मटन व चिकन मैं वो दोपहर को खाऊंगी, रात को खा नहीं पाती हूँ, ये मेरा रूटीन है, मेरा ये मेरा आदत ही है। मैं रात को ज़्यादा मैं हैवी खा नहीं पाती हूँ, मैं दाल भात भात चावल सॉरी चावल दाल चटनी अचार ये सब से खा लेती हूँ, किंतु जब भी मटन या चिकन मैं दोपहर को खा पाती हूँ, रात को बिल्कुल खा नहीं पाती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो अभी तो क्या करूँ मेरे लिए क्या बनाऊँ, फिर भी मैं एक थोड़ा सा टेस्ट करूँगी अपने हाथों का मटन है तो गैस चलो बहुत ज़्यादा बातें वगैरह करती हूँ आप लोग के साथ, इतना दिनों को बात आई हूँ और आप लोग का कान खा रही हूँ बहुत सारा बातें कर। तो चलो अभी मैं खाना वगैरह रेडी करती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मैंने सोचा आज रील्स वगैरह ही बनाऊँगी पर माथा में इतना सारा ऑयल लेकर क्या बनाऊँ, फिर भी देखती हूँ टाइम पाने से। थोड़ा सा हल्दी दे दूंगी, नमक बाद में दूंगी, इसका यो कहाँ यहाँ पर देखो मैंने वीडियो ऑन करना भूल चुकी है, मेरे सारे खारे मसाले वगैरह जो जो है और जल भी चुका है तो भी प्याज मैं दे रही हूँ,
यहाँ पर देखो जो मसाले मैंने पेस्ट करके रखा था वो भी दे दे रही हूँ। ये जी थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ये भी दे दूंगी, अच्छा खुशबू होती है, सेंट होती है खाने पर। मटन जो मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा बॉईल करने के लिए दे बैठा दी थी, तो इस ये मटन को दूंगी और पानी को भी मैं नहीं फेंकूंगी, ये लास्ट में पानी को मैं दूंगी। यहाँ पर चीनी मैं दे दूंगी, आप लोग सोचते हो कि मटन पर चीनी अब क्या है कॉम्बिनेशन, बट मैं मटन चिकन जो भी हो मैं इसमें थोड़ा चीनी देती हूँ फ्लेवर के लिए, अच्छा फ्लेवर होता है चीनी देने से। जो मटन है ना अब इसको दे दूंगी, मसाला देखो अच्छे से भुन चुका है मेरा, पानी को मैं रख दूंगी लास्ट में दूंगी। जो आलू है ये भी दे दूंगी, मटन हो चुका है। ये रहा मेरा मटन का रेसिपी, आप लोग मन करे तो बनाओ, ना मन करे अपना मन मर्जी बनाओ। तो यहाँ पर देखो हालत चूल्हा का, इसको सब सफाई वगैरह करना पड़ेगा, ये कढ़ाई वगैरह धोना पड़ेगा। तो गाइस खाना कंप्लीट हो चुका है, मैं वीडियो करना फिर से भूल गई थी इसलिए मैंने क्लिप भी नहीं लिया खाने का, खाओ का मैंने याद खाने के बाद याद है, वो मैं तो ब्लॉग कर रही थी ना इतनी दिन में बात कर रही हूँ ना इसलिए याद नहीं रहता है जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ आज। तो गाइस इस तरह से एक बार मटन का रेसिपी बना कर देखो, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग बनाओ या ना बनाओ अपने मन मर्जी से बनाओ, बट ये वाला जो मैंने बनाया था सच में टेस्ट हुआ था तो मुझे तो अच्छा लगा, आप लोग पता नहीं आप लोग बना खा कर देखो कैसा लगता है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही गाइस, आज के लिए टाटा, मैं और कब ब्लॉग लेके आओ मुझे, मैं आप लोग के साथ पता नहीं कब लेके आओ, आप नेक्स्ट वीडियो में कब करूँ मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ जी, मैं डेली ब्लॉग छोड़ूंगी बट मैं प्रॉमिस रख नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं अभी नहीं बोल रही हूँ जी कब मैं वीडियो करूँगी। तो गाइस चलो हाँ एक वीडियो हो सकता है मेरा बर्थडे ब्लॉग, मेरा बर्थडे बहुत जल्दी आ रहा है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करूँ। तो गाइस टाटा बाय बाय।